रेवाड़ी में मीडिया और पुलिस के सामने आंखों में आंसू लिए गिड़गिड़ाता यह शख्स बार बार कह रहा है, साहब मुझे मेरे बच्चे वापस दिलवा दो, वरना इसकी बदसलन बीवी और साली से अपने एक पुरुष साथी जो शराब बेचने का अवैध धंधा करता है उससे मरवा देगी। न्याय की उम्मीद में ये थाने के चक्कर काट रहा है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। अब तो मीडिया पर ही इसकी यह उम्मीद टिकी है कि शायद इसे इसके बच्चे वापस मिल जाए। पीड़ित शख्स का नाम गुणवंत है, जिसने हरियाणा के लोहारू की रहने वाली एक युवती से 7 वर्ष पहले प्रेम विवाह किया था, पर पिछले काफी समय से रेवाड़ी में अपने 3 बच्चों और बीवी के साथ किराए के मकान में रह रहा है। वो रेवाड़ी के ही एक निजी स्कूल में बतौर CN कार्यरत था, लेकिन बीमारी के कारण इसकी नौकरी भी चली गई। इसके अनुसार इसकी नौकरी चले जाने के बाद इसकी बीवी ने घर पर अपनी छोटी बहन को बुलवा लिया। इसका आरोप है कि इसकी बीवी और इसकी साली दोनों मिलकर देह व्यापार करने लग गई, जिसका इसने विरोध किया तो वह दोनों रेवाड़ी के ही रहने वाले अपने पुरुष मित्र जिसके साथ इनके अवैध संबंध है, साथ मिलकर इसके साथ मारपीट करते हैं और कई बार इसे जान से मारने की भी धमकियां दे चुके हैं। कुछ दिन पहले जब यह अपने गांव गया तो पीछे से शिवा नाम का यह शख्स इसकी बीवी साली और बच्चों को लेकर कहीं भाग गया, पर अब घर पर ताला लगा हुआ है। पिछले 10 दिनों से यह अपने बीवी बच्चों की तलाश कर रहा है, लेकिन उनका कहीं कोई सुराग नहीं लगा। पुलिस को भी इसने शिकायत दी है, लेकिन वहां भी इसे न्याय नहीं मिला। इसे भले ही बीवी ना मिले, लेकिन इसे तो सिर्फ अपने बच्चे वापस चाहिए, जिनके बगैर यह एक पल भी नहीं रह सकता। इसे अपनी बीवी साली और उस शख्स से जान का खतरा है जिसके साथ इनके अवैध संबंध है। अब तो इसकी सारी उम्मीदें मीडिया पर चुकी हैं कि शायद मीडिया के माध्यम से इसे इसके बच्चे मिल जाएं। क्या नाम है तुम्हारा? गुणवंत कुमार। गुणवंत, क्या तुम्हारे साथ मामला हुआ? तुम अपनी पत्नी और बच्चों की तलाश में जो भटक रहे हो, पुलिस के पास भी गए, क्या है पूरा मामला? सर देखो, पिछले 7 साल से मैं रेवाड़ी में रह रहा हूँ। मैं एक निजी स्कूल में पहले प्यून का काम करता था, तो 3 महीना हो गया सर। अभी मेरा थोड़ा तबीयत खराब है ना, इस वजह से मैं काम पे नहीं गया जा सका। तो इसी बीच मेरे मिसेस है, वो वेश्यावृत्ति का काम पे लग गया। उसे घर पे कई आदमी का आना जाना लगा रहता है और मैं विरोध करता हूँ सर, तो मारपीट शुरू करता है। अपने गुंडा है एक दारू बेचने वाला शिवा पंडित, उससे भी धमकी दिलवाता है, तेरे वाड़ी में तू रहेगा नहीं, तेरा हाथ सर तोड़वा दूंगा, तेरे जान से मरवा दूंगा। मेरे साली है, मेरी छोटी पूनम, वो भी बोलता है तेरे जान से मार दूंगा, तेरे मरवा दूंगा। मेरे सास भी उसके साथ है सर, मेरे साली और मेरे मिसेस है, दोनों मिलके धंधा करते हैं और मेरे सास को भाड़ खिलाती है, वो पैसा भेजवाती है वहाँ, और वो भी बोलती है उसको छोड़ दे, मरवा दे, यहाँ पर तोड़वा दे और तू अपना काम कर ऐसे करके। पिछले सर, क्या तुमने अपनी पत्नी को और अपने उसके परिवार वालों को समझाने की कोशिश की? जी सर, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं है। मैं कई बार मनाया, वो बोलते हैं तू छोड़ के चले जा बच्चों को, भाग जा, या तेरा हाथ पैर तोड़वा देंगे या तेरे मरवा देंगे, बोलते हैं सर। तो इसकी शिकायत पुलिस में की? इसकी शिकायत पुलिस में किया सर, लेकिन पुलिस वाले भी मेरे को चक्कर कटवा रहे हैं। उसने मेरे मिसेज ने भी, मेरे सास और मेरे साली तीनों जाके मेरे नाम से झूठा रिपोर्ट करवाए, ऐसे वैसे करके मेरे फंसवाने के लिए, रास्ता से हटाने के लिए सर। अब वो कितने दिन से गायब हैं? अब 10 दिनों से गायब है सर, कोई पता नहीं है। रूम भी खाली कर दिए हैं, और कहाँ शिवा पंडित के कहाँ ले गया उसको, कहाँ है कोई पता नहीं सर। मैं ढूंढ ढूंढ के उसको परेशान हो गया। अब इस चक्कर में तुम्हारी नौकरी भी छूट गई? जी सर। और कहाँ कहाँ उसको तलाश किया तुमने? सर मैं रेवाड़ी में तो 2-4 जगह जहाँ शिवा पंडित रहते थे, इधर उधर कुतुबपुर में भी कई जगह भटक लिया सर, लेकिन मिला नहीं। और मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है, ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है, कई बार स्विच ऑफ कर देता है। और शिवा के पास फोन लगाता तो मेरे को धमकी देता है, माँ बहन का दुनिया भर के सर। अब कहाँ तक तलाश किया उनको, किन किन जगह पे? सर मैं सेक्टर 3 में ज्यादा कर किया हूँ, धारबेड़ा में तलाश किया हूँ, कुतुबपुर में तलाश किया हूँ सर, नहीं मिला मेरे को। किस प्रकार की न्याय की उम्मीद करते हो पुलिस के साथ? सर मैं तो यही चाहता हूँ बस, पुलिस के अनुसार मेरा बच्चों में रख दिला दूं, मैं बच्चों के बिना एक पल नहीं रह सकता सर। पुलिस की माने तो गुणवंत पीड़ित ने अपनी शिकायत में जो फोन नंबर दिए हैं उन पर इसकी बीवी से संपर्क किया गया है। कल सुबह तक इसकी बीवी और बच्चे रेवाड़ी आ जाएंगे और पूरी तफ्तीश के बाद ही अगली कार्यवाही की जाएगी। आरोप को कोई कुछ भी लगा सकता है। ये जो अभी गुणवंत नाम के व्यक्ति ने आपको एक दरखास्त दी है यहाँ पर,
कि उसकी बीवी को एक व्यक्ति जो है वो लेके चला गया, उसके बच्चों को भी, क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए गुणवंत ने हमारे को एप्लीकेशन दी है, ठीक है, और इसमें जो फोन नंबर दिए गए हैं ना उस पर हमने संपर्क किया है, वो लोग सुबह ही आ जाएंगे, वो बच्चे भी और जिसके ऊपर आरोप लगाया है वो भी सुबह यहाँ आ जाएंगे, ठीक है, उसके बाद हम आगे पता लगेगा हमें भी। सर ये बताया जा रहा है कि जिस जो व्यक्ति साथ लेकर गया था, जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है इस व्यक्ति को, घर में नहीं घुसने तक दिया जा रहा है, इसको बच्चों के साथ मिलने नहीं दिया जा रहा, इस तरह की बात करेंगे जब पता लगेगा ना, एप्लीकेशन में कोई भी कुछ भी आरोप लगा सकता है, ठीक है जी।